हेलो दोस्तों, मैं अंकुर। यदि आप वीडियोकॉन D2H के सब्सक्राइबर हैं तो एक आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छी खबर नहीं है। इसमें क्या हुआ, एक्चुअली दोपहर से यानी 2 बजे के बाद से इसमें टेक्निकल एरर आ रहा है। ये स्क्रीन ऐसी बनी हुई आ रही है, इसमें सिर्फ 2 ग्रीन और 1 ब्लू कलर का मार्क आ रहा है और 1 लाइन आ रही है। इसमें ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि ये कौन सा एरर है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। कस्टमर केयर सर्विस बंद पड़ा है, रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, फ़ोन नहीं लग रहा है। एक हेल्प नंबर इन्होंने दिया था, उस पर भी ट्राई किया, वो बोलते हैं 10 मिनट वेट करिए, आपका काम किया जा रहा है, लेकिन 10 मिनट के बाद कोई अपडेट नहीं आया। तो एक्चुअली इसमें क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली इसमें इसको अपडेट किया जा रहा है, इसका सॉफ्टवेयर वर्जन को अपडेट किया जा रहा है। तो जो अभी सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है उसके चलते जिन सेटअप बॉक्सों को बंद किया गया है उनको अपडेट किया जा रहा है। इसके बाद जैसे ही ये अपडेट हो जाएंगे, जो चालू D2H के बॉक्स हैं उनको बंद करने के बाद फिर उनको अपडेट किया जाएगा। ठीक, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो अधिकारी के द्वारा बताई गई है। जो दोस्त है मेरे इसमें D2H में, उन्होंने ये बताया ऐसे। तो चलिए, ये एक D2H के लिए बुरी खबर है, जो दोपहर से ही D2H बंद पड़ा है और एंटरटेनमेंट नहीं हो पा रहा है। तो चलिए, पता चल गया आपको क्या एरर है, ये सॉल्व हो जाएगा लगभग आज रात 12 बजे से पहले, इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।